Audio Jungle. रतलाम जिले में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में आई शिकायत पर कलेक्टर ने खाद्य विभाग को आदेश दिया कि सालाना रोड पर एक दुकान में पुरानी एक्सपायरी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल बिक रही है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। दरअसल खाद्य विभाग ने सैलाना रोड की अन्नपूर्णा कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें बिना तारीख वाले पानी के पाउच और जो डेट निकल चुकी है वह बोतल बेची जा रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने उसे कब्जे में लेकर नायब तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा पंचनामा बनाया और दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सर, क्या कार्रवाई थी आज की? आप आज जनसुनवाई के दौरान मैडम के समय ये बात ध्यान में आई कि जलाना रोड पर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में पुरानी जो एक्सपायर डेट की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोटल्स वगैरह बेची जा रही है, तो उसके संबंध में मैडम का तत्काल लोगों को यहाँ भेजा गया है। तो दुकान की जाँच की और जो एक्सपायर बोटल वगैरह मिले उनको डिस्ट्रॉय करवाया गया, पानी के पाउच मिले उनको डिस्ट्रॉय करवाया गया और रिपोर्ट पंचनामा वगैरह जो भी विधिवत खाद्य विभाग द्वारा तैयार किया गया और खाद्य विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई जो वैधानिक दुकान संचालक के खिलाफ की जाएगी। सर, क्या क्या मिला इसमें? तीन चार पोल्ट्री जो जूस के पैकेट मिले हैं और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और कुछ पानी के पाउच। रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।